और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केराना से। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम तरह के रोड शो रैलियों पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन घर घर जाकर आप कैंपेन कर सकते हैं। अनुमति केवल 5 लोगों की दी गई थी और ऐसे में अब आप देखिए घर घर जाकर किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह केराना पहुंचे हैं। केराना में घर घर प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का ये बैनर, ये पोस्टर देते हुए जिसमें तमाम तरह की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रोड शो पर बैन लगाया गया था, लेकिन भीड़ तो यहां पर भी जुट रही है। क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके से प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये भीड़ जो है स्थानीय लोग हैं वहां पर, वो आ जा रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान ये शुरुआत किया है। डोर टू डोर कैंपेन, घर घर संपर्क अभियान है, इसलिए खुद बीजेपी के ये आला नेता और गृह मंत्री लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों को बीजेपी के बारे में बता रहे हैं, चुनाव प्रचार अभियान के बारे में बता रहे हैं। अब उसके बाद जो ये तस्वीरें आप देख सकती हैं, यह तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अभी बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन लगातार सुबह से बारिश हो रही है। गृहमंत्री पैदल के रास्ते उसी रास्ते से आएंगे और यहाँ पर पैदल चलते हुए अंदर जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को, राजनीतिक दल के नुमाइंदे को चुनाव प्रचार करना चाहिए, वो पूरे नियम का पालन किया जा रहा है। चुनिंदा कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो जैसे कुछ लोगों से मिलना, घर खुद ही कार्यकर्ता का जाना, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। जो भीड़ आपको तस्वीरों में दिख रही है, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर और जो लोग आसपास के हैं इकट्ठा हुए हैं। तो कुल मिलाकर किस तरीके से अगले 15 दिन में चुनाव प्रचार अभियान होने वाला है, इसकी पूरी तस्वीर, पूरा खाका आज यहाँ पर देख रहे हैं। 3 अहम चीजें हैं यहाँ पर। सबसे अहम चीजें हैं पलायन, बीजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दूसरी, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यानी डोर टू डोर कैंपेन, जिसको बीजेपी ने अपना अहम हथियार बनाया। 4 अहम नेता 150 किलोमीटर के दायरे में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कैराना में कर रहे हैं, दिनेश शर्मा आगरा में कर रहे हैं, बुलंदशहर में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और इसके अलावा एक और नेता कर रहे हैं थोड़ी दूर पर कर रहे हैं। तो 4 कर रहे हैं। उसके बाद जो पार्टी के जो प्रमुख एजेंडे हैं, जैसे कि पलायन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, गन्ना माफी, गन्ना भुगतान का जो मामला है उसको लेकर मुख्यमंत्री बुलंदशहर में लोगों से संवाद कर रहे हैं। पर्यटन को लेकर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा में लोगों से संवाद किया। तो इस तरीके की सारी जो गतिविधियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसी भी वक्त इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कैराना में यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत अहम जगह है ये कैराना, इसलिए अहम जगह है क्योंकि अब से 1 महीने पहले योगी आदित्यनाथ इसी जगह पर आए थे और यहाँ पर करीब 1.5-2 घंटे का वक्त यहाँ पर बिताया था। उन पलायन कर चुके परिवार जो वापस लौटे हैं, उनके साथ खाना खाया था, उनके साथ वक्त बिताया था। ये वही जगह है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की PSC की नई पुलिस की यूनिट की स्थापना की घोषणा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की है। तो बहुत अहम गतिविधियां हैं। किसी भी वक्त गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे और आप देख सकते हैं साधु स्वीट यहाँ पर गृह मंत्री आएंगे। 7 ऐसे परिवार हैं जो यहाँ से पलायन किए थे, वापस आए हैं। बिल्कुल, 7 ऐसे परिवार, हिंदू परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पलायन किया था। वहां पर जिस तरीके से धमकियां लगातार मिल रही थी, वो पलायन करने को मजबूर हो गए थे, लेकिन अब वो वापस आए अपने घर पर। ऐसे में उन तमाम लोगों से आज संवाद करेंगे अमित शाह। अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक दिग्गज नेताओं की रैलियों में लोग पहुंचते थे, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, रोड शो होते थे, वहां पर लोग पहुंचते थे, लेकिन अब जब दिग्गज नेता लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो किस तरीके का उत्साह है लोगों में, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। डोर टू डोर कैंपेन, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। भैया आप इधर आइए, सुनिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के दरवाजे जा रहे हैं, कैसा आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं भाजपा जनता पार्टी जो भी काम कर रही है बढ़िया काम कर रही है और अमित शाह जी जो आप कराने में आ रहे हैं हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और लोग खुद घर, लोगों के घर जा रहे हैं गृह मंत्री जी? हाँ, हमारे यहाँ पर कराना में भी क्या घर गए हैं और बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ पर, हमारी पीड़िता समझने आ रही है
में बहुत अच्छा है। इससे पहले कोई पार्टी हमारे पास नहीं आई, इससे पहले भी हमारे पास कोई पार्टी नहीं आई। योगी बाबा जी क्या थे ये सब देखिए, बहुत अहम चीज ये कह रहे हैं कि इससे पहले कोई पार्टी हमारे पास नहीं आई। तो खुद पार्टी का शीर्ष नेता जब यहाँ पर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग क्या यहाँ पर महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह लोगों में बना हुआ है। अमित शाह जो कि घर घर जाकर लोगों से मिलते हुए बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए, और केराना सीट जो कि लगातार विवादों में रही है, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि किस तरीके से ये बड़ा मुद्दा बना था जब हिंदू परिवार यहां से पलायन करने को मजबूर हुए थे। और नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने ऐसी सीट से टिकट दिया था जिसका विरोध भी पुरजोर तरीके से हुआ, और ऐसे में अब वो टिकट नाहिद हसन के परिवार के किसी सदस्य को दी जाएगी। लेकिन अमित शाह इसी केराना सीट के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए वहां पर जनसैलाब किस तरीके से लोगों का यहां पर उमड़ा है, लोगों में उत्साह है, लोग खुश हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेता, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह उनके बीच पहुंचे हैं, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए, योजनाओं के बारे में बताते हुए। और इसी तरीके से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आज से कर दी गई है, शंखनाद कर दिया गया है। 22 तारीख यानी कि आज ही के दिन तक चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगाई गई थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस मियाद को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 तारीख तक चुनावी रैली रोड शो पर रोक रहेगी। इससे पहले हमने जो बड़ी खबर आपको दिखाई थी, चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई, और ऐसे में घर घर जाकर अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में इन्हीं सीटों पर वोट डाले जाने हैं, और ऐसे में बीजेपी की रणनीति को मजबूत करने के लिए, धार देने के लिए पुरजोर तरीके से तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, बड़ा मुद्दा तो है हिंदू पलायन का, लेकिन इसके साथ ही साथ केराना सीट से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था